सीआईईटी एनसीईआरटी पेश करते हैं आला सानवी यानी सीनियर सेकेंडरी दर्जे की दरसे किताब गुलिस्ताने अदब में शामिल उर्दू नज्मों का गुलदस्ता। आइए इसमें सुनते हैं नज्म तन्हाई। सामीन, आज हम आपके सामने जनाब फैज़ अहमद फैज़ की बहुत ही मशहूर नज्म तन्हाई, जो कि दर्जा 11 की किताब गुलिस्ताने अदब में शामिल है, पेश करने जा रहे हैं। नज्म तन्हाई। फिर कोई आया दिलेजार, नहीं कोई नहीं। फिर कोई आया दिलेजार, नहीं कोई नहीं। राहरव होगा, कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार। लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमे, बढ़ा दो मैं मीनाओ अयाग। अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ़ल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। मोहतरम सामीन, इस नज़्म में फैज़ अहमद फैज़ ने किसी की याद और इंतज़ार में दिल की कैफियत को मुअस्सर अंदाज में बयान किया है। जब किसी को अपने महबूब का इंतज़ार होता है तो इंतज़ार के लम्हात बहुत मुश्किल गुजरते हैं। हर आहट और हर आवाज़ पे वो चौंक पड़ता है। उसे लगता है कि उसका महबूब आ गया, लेकिन उसके ना आने से उसे बहुत मायूसी होती है। फैज़ ने इन्हीं एहसासात को तन्हाई में पेश किया है। अज़ीज़ साथियों, हम सब ऐसे हालात से गुज़रते हैं जब कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार के आने का इंतज़ार बड़ी शिद्दत से रहता है, लेकिन जब वो नहीं आता तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। इस लम्हा हम किस तरह दिल को तसल्ली देते हैं। अगर आप भी इस तरह की कैफियत से गुज़र रहे हों तो इस कैफियत को नज़्म के सूरत में लिखकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ा सकते हैं। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे नज्म तन्हाई। एकेडमिक कोऑर्डिनेशन डॉक्टर इरम खान, नज्म गोई गुलाम गौस, तौजी जमशेद आलम, साउंड रिकॉर्डिस्ट बटी लैंग लिंगदो, प्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन अजीत होरो, प्रोडक्शन असिस्टेंस विमलेश चौधरी। ये प्रोग्राम CIET NCERT की पेशकश है।